रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम के विरोध में आंदोलन तेज होता जा रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने अपने खून से पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। खून से लिखे हुए पत्र में उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का गठन करके सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। बीते 2 सालों से उत्तराखंड के चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों का बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने स्तर से बोर्ड को जल्द भंग करना चाहिए। वहीं सरकार और बोर्ड के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अब बोर्ड को भंग करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी की जो ये निकम्मी सरकार है, जो अपने को हिंदुत्व का विदेशी कहती है, इन्होंने जबरन चारों धामों में जो देवस्थान बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं, और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। लगातार 2 सालों से इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में जारी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। और अब जा कर के केदा चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप। तो केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज हो गया है। रैली निकालकर तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने खून से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भेजा है और जल्द से जल्द बोर्ड को भंग करने के लिए मांग की है। तो तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड को जल्द से जल्द भंग कर देना चाहिए और अब इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तीर्थ पुरोहित हैं वो आंदोलनरत हैं और आंदोलन को तेज कर दिया गया है। रैली निकालकर तीर्थ पुरोहितों ने अपना प्रदर्शन किया, साथ ही साथ भारत सरकार नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र भी लिखा गया। प्रदर्शन जारी है, खिलवाड़ कर तीर्थ पुरोहित। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि तीर्थ पुरोहितों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है और अब खून से पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बोर्ड को भंग करने के लिए लिखा गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं साहिल, ये काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। पिछले जब से देवस्थानम बोर्ड बना है तब से जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो हक हकूक धारी हैं बद्री केदार और चारों धाम मंदिरों के, तो वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई है, आपको जो दिक्कत है वो इससे बात कीजिए, हम उस पर बात कर लेंगे। कांग्रेस ने आज में इसमें घी डाल दिया है और उसने कहा है कि यदि सरकार बनती है तो हम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। अब दोनों स्थितियों में समझना होगा कि जिस तरह कांग्रेस ने तीर्थ पुरोहितों का साथ दे दिया है, उसके बाद तीर्थ पुरोहित और आक्रामक हैं और जो पूरा पहाड़ी इलाका है, जो चारधाम यात्रा का जो ट्रैक है, उस पर एक बड़ा मैसेज तीर्थ पुरोहितों ने दे दिया है। सरकार बैकफुट पर जाने की को तैयार नहीं है। हालांकि कल पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जब तक हाई पावर कमेटी इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेती तब तक देवस्थानम बोर्ड पर रोक रहेगी। उसके बाद से ही जो तीर्थ पुरोहित है वो आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने एक खून से एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, जिसमें उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात लिखी है और प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जो सरकार है उनकी बात नहीं सुन रही है और उनकी बात सुनी जाए और देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और जो हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव लगातार केदारनाथ से रहा है, भगवान केदारनाथ के दर पर वो लगातार आते रहे हैं। आपने भी पिछले जो कार्यकाल हैं वो देखे हों,
तो विकास कार्यों का जो मॉडल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी खुद उस जो केदारनाथ में विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी प्रधानमंत्री कितना समझ पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन एक खून से लिखा पत्र तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के नाम जरूर भेज दिया है, और हो सकता है जब जो केदारनाथ मंदिर के जो कपाट बंद होते हैं तो अमूमन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वहां आते हैं, तो हो सकता है इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दर्शन करने आए, भगवान भोलेनाथ के बाबा केदार के जो दर्शन करने हैं, तो हो सकता है तीर्थ पुरोहितों की बात पर वो ध्यान दे और इस समस्या का कुछ समाधान निकाल दें। सुरेंद्र, वहीं अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कवायद तेज है कि हर वर्ग के लोगों को हर तरह से किसी भी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जमीन है उसे मजबूती यहां पर दी जाए, और उस बीच इस तरीके से जो पुरोहितों की नाराजगी है वो निकल कर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल हालात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दिक्कत है, जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड का ये फैसला किया था, देवस्थानम बोर्ड गठित किया था, वो लगातार अपने देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सही बता रहे हैं, और ऐसे में यदि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाता है तो भाजपा में ही असमंजस की स्थिति हो जाएगी। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा बीच का रास्ता सरकार को निकालना होगा कि तीर्थ पुरोहित भी नाराज ना हो और देवस्थानम बोर्ड भी भंग ना हो। लेकिन जो तीर्थ पुरोहित है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक देवस्थानम बोर्ड से भंग नहीं होगा तब तक वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। प्रोफेसर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर दीजिए और जो हाई पावर कमेटी हमने बैठाई है बनाई है उस पर बात कर लीजिए। तीर्थ पुरोहित हाई पावर कमेटी से कोई बात करने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गणेश बोदियाल वो खुद बद्री केदार समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार तीर्थ पुरोहितों के संपर्क में है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि यदि हमारी सरकार आती है हम सत्ता में आते हैं तो एक देवस्थानम बोर्ड को हम भंग कर देंगे, और इसका एक मैसेज उत्तराखंड में जरूर जा रहा है, और जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी उनको समझना होगा और जो एक मैसेज तीर्थ पुरोहित प्रदेश में दे रहे हैं उससे बचना होगा और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए कोई रास्ता जल्द से जल्द निकालना होगा। चलिए सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।